स्टैंडर्ड फोर्थ सॉरी स्टैंडर्ड फिफ्थ है, सब्जेक्ट है ईवीएस, चैप्टर फोर है नर्व सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। अवर ब्रेन इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। अवर ब्रेन टुगेदर विद स्पिनल कॉर्ड एंड नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द अदर बॉडी सिस्टम्स एंड द सेंस ऑर्गन्स। अब द नर्वस सिस्टम क्या करता है, ऑल बॉडी को कंट्रोल्स करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। इट मेक्स अस अवेयर ऑफ अवर सराउंडिंग। द नर्वस सिस्टम हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं, थ्री, नर्व्स, स्पिनल कॉर्ड एंड ब्रेन। अभी नर्व्स, द नर्व्स आर अ बंडल ऑफ थ्रेड लाइक टेलीफोन वायर्स दैट कनेक्ट द ब्रेन एंड द स्पिनल कॉर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स। अभी सेंसरी नर्व्स किसके कहते हैं, कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स आईज नोज टंग ईयर एंड स्किन टू द ब्रेन। मोटर नर्व्स दे कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मिक्स नर्व्स दे कैरी मैसेज बोथ वेज दैट इज फ्रॉम द ब्रेन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड द स्पिनल कॉर्ड। स्पिनल कॉर्ड हैज 31 पेयर्स। कितने पेयर्स हैं, 31 ऑफ स्पिनल नर्व्स दैट कनेक्ट ऑल द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बैक पोर्शन। देखो बैक पोर्शन में आपको पिक्चर बताया है, ये क्या है, स्पिनल कॉर्ड है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बैक पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज डाउन टू द लोअर एंड ऑफ द बॉडी। इट्स प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम। ब्रेन हमारा क्या काम करता है, देखो द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल कोऑर्डिनेट ऑल ओवर एक्शंस। इट ऑल ओवर एक्शंस कंट्रोल करता है। इट स्टोर्स अ लॉट ऑफ स्टोर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्स करता है। इट कैन रिकॉल द इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड। दिस इज कॉल्ड मेमोरी। उसको क्या बोलते हैं, मीन्स जो स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन उसको मेमोरी बोलते हैं। द ब्रेन इज प्रोटेक्ट बाय बोनी बॉक्स कॉल्ड द स्कल। अभी मैं ये आपको, ये रिविजन चैप्टर है, पहले भी हो चुका है आपका। द ब्रेन हैज थ्री मेन पार्ट्स, सेरिब्लम, सेरिब्रम एंड मेडुला। द सेरिब्रम कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ अवर बॉडी सच एज रनिंग, वॉकिंग, थ्रोइंग, होल्डिंग एक्सेट्रा। द सेरिब्रम कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ अवर बॉडी। द मेडुला ऑब्लॉगेटा रेगुलेट्स द इन्वॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग एक्सेट्रा। देखो वर्किंग ऑफ द ब्रेन, देखो अपने ब्रेन कैसे वर्किंग करता है वो है, ये आपको पिक्चर में बताया है। द सेंस ऑर्गन भी है, कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, फाइव। कौन सी कौन सी, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दिस सेंस ऑर्गन्स अलाउ अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। वी यूज अवर सेंस ऑर्गन टू गेट इन्फॉर्मेशन फॉर अवर सराउंडिंग्स। आईज, आईज हमारा क्या काम करते हैं, देखो अवर आईज आर वेरी डेडिकेटेड। ईच आई कॉल इज सिंपली सेंट टू डीप बॉडी बॉडी सॉकेट एंड फर्दर प्रोटेक्टेड बाय द आईलिड्स एंड आईलैशेस। दिस प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। किसके प्रोटेक्ट करती है, डस्ट और डर्ट से। यस द ईयर हैज थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट्स, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। वी मस्ट क्लीन अवर ईयर्स विद कॉटन कॉर्ड्स और क्लीन टॉवेल। हमको कॉटन कॉर्ड्स और क्लीन टॉवेल से इनको क्लीन करना चाहिए। पिन वगैरह ईयर्स में नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। नोज, द नोज फिल्टर्स द ईयर एज इट एंटर आउट अवर लंग्स। इट इज़ अ सेल्फ ऑर्गन्स ऑफ स्मेल। ईयर नोज क्या करता है, स्मेल लेता है, ठीक है। टंग, द टंग इज द क्या है, टेस्ट है, मीन्स टेस्ट ऑर्गन है। इट हेल्प अस टू, वो हमको किस में हेल्प करती है, इट हेल्प अस टू ईट खाने में और स्पीक बोलने में। स्मॉल बर्ड्स नोन एज टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग। मीन्स कौन सा टेस्ट बिटर है, कौन सा सार है, वो सब अपने को कौन बताता है, टंग बताती है। स्किन, द स्किन फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ अवर बॉडी। इट इज़ अ सेंस ऑर्गन्स ऑफ टच। अवर स्किन प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम एंटरिंग अवर बॉडी। वी सेंसिंग थिंग्स डिफरेंटली, वी नो दैट वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर सराउंडिंग्स थ्रू अवर सेंस ऑर्गन। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमें क्या पसंद है, नहीं पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, ईशा एंड हर फ्रेंड्स समीरा लाइक फ्लावर्स, बोथ लाइक टू रैप। देखो समीरा और ईशा है, दोनों फ्रेंड हैं, उनको फ्लावर्स पसंद है। बोथ लाइक टू ईट आइसक्रीम्स, दोनों को आइसक्रीम पसंद है। दे बोथ लाइक टू वॉच कार्टून्स, दोनों को कार्टून्स देखना पसंद है टीवी में। बट
ईशा लाइक्स क्लासिकल डांस वाइल्ड मीरा लाइक्स वेस्टर्न डांस, बट ईशा को क्लासिकल डांस पसंद है और समीरा को वेस्टर्न डांस। ईशा फेवरेट कलर इज ग्रीन, बट रेड इज समीरा फेवरेट कलर और समीरा का रेड कलर फेवरेट है। ईशा इज वेजिटेरियन, वेल समीरा इज अ नॉन वेज। ईशा क्या है, वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज नहीं खाती है, और समीरा क्या है, नॉन वेजिटेरियन, वो नॉन वेज खाती है। Let us see why people sense things differently. Family background, our family plays an important role in determining our taste. For example, Isha family is vegetarian and where Samira's family is non-vegetarian. Cultural background कैसा है, अभी Indians like spicy and oily food. हम Indian क्या खाते हैं, spicy और oily food खाते हैं। We also love to eat pickles, हम अचार हमको बहुत पसंद है। We love to live in big families, हम बड़ी family से हैं, मीन्स हमको बड़ी फैमिली में वी लव टू लिव इन बिग फैमिलीज, हम बड़ी फैमिली को लाइक करते हैं। वी लाइक टू विजिट अवर रिलेटिव्स ऑफ्टन, बस पीपल इन द वेस्ट होज लिविंग यूके एंड डू नॉट लाइक स्पाइसी एंड ऑयली फूड, दे मोस्टली लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज। कंडीशन, अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग वी ऑल्सो एन्जॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, डांसिंग, वॉचिंग टेलीविजन एंड प्लेइंग वेरियस इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। During vacation, we do not like to read only our school books, but during examination time, we stay away from loud music, do not watch television and limit our playtime. Means, जब हमारा exam का time होता है तो हमें loud music, do not watch, means television नहीं देखना चाहिए, और जो हम खेलते हैं उसमें time limit रखना चाहिए। Special people, most of us are lucky to see the world, hear all kinds of sound, feel the things around us. We have a healthy and able body and mind, but some people are not lucky. हम ऐसे हैं जो नसीब वाले हैं कि हमको सब सुनने को मिलता है, फील करने को मिलता है, बट कई लोग अनलक्की होते हैं। देर आर पीपल हु कैन नॉट सी, जो नहीं देख सकते हैं, देर आर दोज हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकते हैं और जो नहीं बोल सकते हैं और जो नहीं चल सकते हैं। दे आर स्पेशल पीपल बिकॉज दे नीड स्पेशल केयर, उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। इवन ओल्ड पीपल नीड अवर केयर एंड उनको हमारे प्रेम की और नीड ज़रूरत पड़ती है। अभी ब्रेली स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, देखो ब्रेली स्क्रिप्ट, पीपल हु आर ब्लाइंड कैन सी विद देयर फिंगर्स, दे टच योर फेस टू रीड योर फीचर्स एंड अंडरस्टैंड वॉट यू लाइक वॉट यू लुक लाइक। वो क्या मीन्स बिना देखे वो टच करके ही समझ जाते हैं कि ये क्या है। स्पेशल स्क्रिप्ट ऑफ राइजर डॉट्स कॉल्ड द ब्रेली स्क्रिप्ट, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सिक्स रेज डॉट्स, कितने रेज डॉट्स हैं, सिक्स, अरेंज इन मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लेटर्स अल्फाबेट फंक्शन मार्क्स एंड इवन म्यूजिकल नोट्स। दिस स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाई लुईस ब्रेली, वो हिमसेल्फ वॉज ब्लाइंड, वो भी खुद मीन्स ब्लाइंड थे, लुईस ब्रेली जिन्होंने ब्रेली स्क्रिप्ट का। हेलन किलर, हैव यू हर्ड अबाउट हेलन किलर, शी वॉज अ ग्रेट राइटर एंड स्कॉलर, केम डेफ डम एंड ब्लाइंड एंड ओनली 19 मंथ्स ऑफ एज। हर फादर अपॉइंटेड अ टीचर नेम एन ए सलीवन फॉर हर, शी वर्क टायरलेसली फॉर ईयर्स एंड टॉट हेलन टू रीड वर्ड्स बाय स्पेलिंग देम आउट ऑन हेलन आर्म। हेलन लर्न हाउ दे वेयर स्पोकन बाय टचिंग, मीन्स टच करने से उनको मीन्स समझ में आता है, एन एज लिप्स आज प्रोनाउंस द वर्ड्स, और प्रोनाउंस कर सकते थे वो वर्ड्स को। हर म्यूटनेस वॉज अ रिजल्ट ऑफ हर एनेबिलिटी टू हियर, नॉट अ प्रॉब्लम बाई इट सेल्फ, बट शी वॉज नेवर एबल टू स्पीक एज क्लियरली एज शी वॉन्टेड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। हेलन के और फेमस वर्ड्स आर द पब्लिक मस्ट लर्न दैट अ ब्लाइंड चैप्टर आपका पहले भी हो चुका है, आपको इसको रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके टिक
आंसर फिल इन द ब्लैंक्स, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करवाऊंगी, ये रिवीजन चैप्टर है, ठीक है, थैंक।